जगत टॉक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी। इनको पूरा देश जानता है क्योंकि ये देश के सबसे धनी आदमी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। हाल ही में इन्होंने जियो लॉन्च किया है जिसने भारतीय इंटरनेट की तस्वीर बदल कर रख दी है। पहले लोग इंटरनेट चलाने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन जियो ने इंटरनेट के दाम को बहुत घटा दिया है जिसकी वजह से ज्यादातर भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इस जियो से मुकेश अंबानी को काफी फायदा हुआ है और इनकी संपत्ति बढ़कर $47.3 बिलियन हो चुकी है। दूसरे नंबर पर आते हैं अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी साल 2017 में इस सूची में चौथे स्थान पर थे, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि विप्रो लिमिटेड देश का तीसरा सबसे बड़ा आउटसोर्स है। साल 2011 में अजीम प्रेमजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी संपत्ति साल 2018 में बढ़कर $21 बिलियन हो गई है। तीसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मी मित्तल। साल 2017 में लक्ष्मी निवास मित्तल छठे स्थान पर थे, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर आ गए हैं। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और सीईओ है। इनकी संपत्ति $18.3 बिलियन है। चौथे नंबर पर आते हैं हिंदुजा फैमिली। कुछ साल पहले हिंदुजा फैमिली टॉप 10 पर भी नहीं आती है, लेकिन इस साल ये नंबर 4 पर आ गए हैं। हिंदुजा एक समूह है जिसके मालिक श्रीचंद हिंदुजा और इनके भाई गोपीचंद हिंदुजा है। इनकी कंपनी की स्थापना साल 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा मुंबई में की गई थी। वर्तमान में हिंदुजा फैमिली की संपत्ति $18 बिलियन है। पांचवें नंबर पर आते हैं पल्लोनजी मिस्त्री। ये शपूरजी पल्लोनजी ग्रुप के चेयरमैन है। इसके साथ एक बिजनेसमैन भी है। इनकी कंपनी को बने 150 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। इनकी कुल नेटवर्थ $15.7 बिलियन है। छठे नंबर पर आते हैं शिव नादर। ये HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक है। वर्तमान में शिव नादर HCL और इनके नाम पर बने फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। शिव नादर को इनके अथक प्रयास और सफलता के लिए साल 2008 में पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है। शिव नादर को इनके निकनेम मैगस से भी जाना जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति $14.6 बिलियन है। सातवें स्थान पर आते हैं गोदरेज फैमिली। गोदरेज भारत की जानी मानी कंपनी है जिसके मालिक और अध्यक्ष आदि गोदरेज है। इनकी कंपनी काफी पुरानी है। लगभग 120 साल पहले इनके परिजन आर्देशीर गोदरेज और पिरोशा गोदरेज ने इनकी कंपनी गोदरेज की स्थापना की थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। इनकी संपत्ति $14 बिलियन है। आठवें स्थान पर आते हैं दिलीप सांघवी। ये देश के आठवें सबसे अमीर व्यक्ति है। दिलीप सांघवी बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी सफलता के लिए इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने अपने पार्टनर प्रदीप घोष के साथ मिलकर सन फॉर्मुलिस्ट की स्थापना की थी, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जेनेरिक निर्माता कंपनी है। दिलीप सांघवी की संपत्ति $12.6 बिलियन है। कुमार बिरला, जो कि नौवें स्थान पर आते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप जानी पहचानी कंपनी है। कुमार बिरला जिसके चेयरमैन हैं, ये एक बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। कुमार मंगलम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक साइंस के वाइस चांसलर भी है। आदित्य बिरला ग्रुप भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। कुमार बिरला की संपत्ति $12.5 बिलियन है। आखिरी स्थान पर, जो कि दसवां स्थान है, उस पर आते हैं गौतम अडानी। अडानी समूह भी भारत का जाना माना बिजनेस समूह है। इसके अध्यक्ष गौतम अडानी हैं। अडानी समूह कोयला व्यापार एवं खनन, तेल और गैस की खोज, बिजली उत्पादन, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और गैस वितरण आदि का कार्य करता है। इनकी नेटवर्थ अभी $11.9 बिलियन है। अब एक इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जान ही चुके हैं कि हमारे टॉप 10 भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।